ओ भाई ये क्या बात चल रही है गोल्डमैन रोपिरो म्यूटेंट के बीच में। ओ भाई साहब रोपिरो पटाखे फूट रहे हैं रोपिरो वाइस टाउन के अंदर अपने। यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग आ चुके हैं न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। और भाई आपको बैकग्राउंड देख के पता तो चल ही गया होगा भाई क्या होने वाला है वीडियो के अंदर। भाई मैं बता दूं भाई आज यहाँ हमारी वीडियो दिवाली स्पेशल वीडियो, आपको पीछे पटाखे फूटते हुए दिख रहे होंगे। पूरी वीडियो के अंदर हम आज पटाखे ही पटाखे फोड़ने वाले हैं। तो यार सिर्फ पटाखे नहीं फोड़ेंगे, आप सोच रहे होंगे खाली पटाखे फोड़ के भाई खत्म कर देंगे, तो भाई पटाखे तो फोड़ने ही वाले पर यार स्टोरी भी चलेगी बैकग्राउंड में तुम्हारे भाई की। तो बहुत खतरनाक वाली स्टोरी लिख के लाया हूँ यार मैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ज्यादा ही देर हो चुकी है, अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। तो यार स्टार्ट कुछ ऐसा होता है, रोपिरो ना भाई टिप्सन के पास जा रहा होता है, उसको पता है दिवाली और भाई अब देख रहे हो कितने खतरनाक पटाखे फूट रहे थे। तो भाई वो जाता है टिप्सन के पास और भाई वो पूछता है कि भाई आज हम पटाखे क्यों नहीं मिल रहे कहीं पर भी। ओए टिप्सन गाली है, पूरी वाइस टाउन में कहीं पर भी पटाखे नहीं मिल रहे यार, मुझे पटाखे फोड़ने हैं। अबे यार रोपिरो मुझे भी ना मिला कहीं पर, पटाखा बड़ी मुश्किल से दो तीन अनार मिले, वही जलाओ फिर यार, दो तीन दिएंगे। ओए तुझे तो अनार वनार मिल गए, मुझे तो पटाखे फोड़ने, मुझे कहीं से भी पटाखे लेकर दे, सुसरी के पटाखे खोल ले गया पूरे वाइस टाउन से सारे के सारे। रोपिरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि भाई वो पटाखे नहीं फोड़ पाता क्योंकि पटाखे मिल ही नहीं रहे होते वाइस टाउन में, कोई खरीद के ले जाता है बहुत सारे पटाखे और भाई वाइस टाउन में पटाखों की कमी हो जाती है। अबे यार छोटे मुझे भी पटाखे फोड़ने दे, जाने की सुसरी के ने पूरे पटाखे खरीद। और भाई थोड़ी देर में म्यूटन की भी एंट्री हो जाती है वहाँ पर। रोपिरो भाई तुम्हारा चहेता म्यूटन आया। ओए म्यूटन तुझे पता है वाइस टाउन में कहीं पर भी पटाखे नहीं है दिवाली होने के बावजूद। अरे रोपिरो भाई मैं भी यही बताना आया था तुम्हें, मुझे कहीं पर भी पटाखे नहीं मिले, मुझे पटाखे फोड़ लेते भाई। म्यूटन क्यों रो रही है सुसरी के? अबे यार सुपर हीरो पटाखे ना मिल रहा है वाइस टाउन में कहीं पे भी, हमें पटाखे फोड़ने आज दिवाली है सुसरी के, ये रो रही है म्यूटन इसलिए उसको भी पटाखे ना मिला ना रोपिरो को मिले। ओए सुपर हीरो तुझे पटाखे मिलेगा कहीं मुझे भी दे दे। अबे रोपिरो पटाखे तो मुझे भी चाहिए यार, पटाखे मिल ही ना रहा है, सुबह से उड़ उड़ के थक गया, पटाखे नहीं मिल रहा है किसी भी जगह पे वाइस टाउन में। भाई वो लोग ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं क्योंकि भाई उनको पटाखे चाहिए होते हैं क्योंकि दिवाली के दिन पटाखे के बिना कैसे काम चलेगा यार, वो कंफ्यूज होते हैं पटाखे कौन लेगा। फिर रोपिरो भाई निकल पड़ता है पटाखे देखने के लिए दूसरी दुकानों पर। ओए अगर मुझे पटाखे नहीं मिले ना वाइस टाउन में दिवाली के लिए, पूरे वाइस टाउन में भवंडर ले आऊंगा भवंडर। भाई रोपिरो निकल पड़ता है भाई पटाखे देखने के लिए, सामने उसको एक दुकान दिखती है, वो सोचता है भाई इधर तो मिल जाएंगे पटाखे और भाई वो सीधा उसकी तरफ जाने लगता है और ज्यादा ज्यादा सोचता है अगर पटाखे नहीं तो भवंडर लेकर आ जाएगा और सीधा दुकान के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ना रोपिरो भाई थोड़ी देर में ही बाहर निकल जाता है स्टोर के, उसको भी पटाखे नहीं मिलते यहाँ पर भी, और वो देखता है आसमान में पटाखे पटाखे फूट रहे, पता नहीं कौन पटाखे फोड़ रहा है, वो सोच के भाई गुस्सा आ रहा होता है उसको भाई किसको पटाखे मिल गए, सिर्फ रोपिरो को ही नहीं मिले। ये किसके पास पटाखे हैं, मुझे पटाखे नहीं मिल रहे वाइस टाउन में, किसको पटाखे मिल गए। और भाई वो गुस्से गुस्से में सीधे टिप्सन के पास चला जाता है और भाई टिप्सन के पास जाके बोलता है भाई पटाखे उसको कहीं पर भी नहीं मिले यार। अबे यार रोपिरो पटाखे मिल गए तो जल्दी दे दे, बहुत देर से अनार ही जल्दी सुसरी का। अबे और रोपिरो मुझे भी दे, सुसरी के सब उसको ही देगा क्या? ओए मुझे पटाखे नहीं मिले पूरे वाइस टाउन में कहीं पर भी पटाखे नहीं हो, वो देख सामने सुसरी का कौन पटाखे पे पटाखे फोड़ रहा है। वो सब लोग ना बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, म्यूटन भी रोने लगता है यार गुस्से में कि भाई उसको भाई पटाखे नहीं मिल रहे दिवाली के दिन भी। अरे रोपिरो भाई मुझे पटाखे चाहिए कुछ भी करके, मुझे कहीं से भी पटाखे लाके दो, दिवाली पे पटाखे ना फोड़ने पड़ेंगे, काम करो सामने चलते हो सुसरी का कौन है जो पटाखे फोड़ रहा है। उसके बाद ना भाई दोनों सुपर हीरो म्यूटन और भाई अपना सुपर हीरो भी उड़ के निकल पड़ता है और टिप्सन वहाँ पे अकेला रह जाता है। अबे यार ये दिवाली के दिन में मुझे अकेला छोड़ गए सुसरी के, एक अनारी पड़ा मेरा तो पटाखे बिना है, सुपर हीरो अलग भाग गया। उसके बाद ना वो छत पर जाते हैं, वो शौक हो जाते हैं देख के पटाखे कौन फोड़ रहा है। अबे वो गोल्डमैन तू सुसरी के, तू तो उस दिन आया था ना हेलोवीन के दिन, जिस दिन हमने तुझे भगा दिया था। अरे गोल्ड भाई सॉरी मैंने तुम्हें भगा दिया था, बुरा मान के तुमने पूरे पटाखे ही खरीद लिया वाइस टाउन का, हमें भी दे दो कुछ पटाखे। अबे वो रुको ऐसी बात ना है, मेरा कोई दोस्त ही ना है वाइस टाउन में, उस दिन भी तुमने मुझे भगा दिया था, मैं इसलिए सारे पटाखे खरीद के लाया हूँ ताकि मैं अकेले दिवाली मना सकूं। और ये सुनने के बाद ना रोपिरो सुपर हीरो म्यूटेंट का दिल पिघल जाता है, वो उसको बोलते है कि भाई तू हमारा सच्चा वाला दोस्त बन जा, अब से हमारे साथ ही रहा कर वाइस टाउन में। अबे वो तुम सच बोल रहा है क्या, अब मेरा दोस्त बनोगे तुम, मजा आ गई, चलो मिलके पटाखे फोड़ेंगे हम। ऐसे वो गोल्डन मैन और रोपिरो वाइस टाउन के सारे हीरो अपने भाई उसके दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे वाले दोस्त बन जाते हैं और मिलके भाई पटाखे फोड़ रहे होते हैं पूरे आसमान में, भाई वाइस टाउन के भाई कलरफुल पटाखे फूट रहे होते हैं। ओए गोल्डमैन तुझे कभी भी कुछ भी तकलीफ हो ना मुझे बता देना, मैं वो तकलीफ हल कर दूंगा। अबे वो रोपिरो हम क्या ऐसे बैठे हल पुल वाले सुसरी के, हम भी तो हल करेंगे, हमारा भी दोस्त है। ओए म्यूटेंट तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? अरे भाई तू पर ही ना बोला, मैंने बोला एक ही बात है भाई। वो जब एंजॉय कर रहे होते तभी उनको कोई पीछे से आवाज देता है, अरे रोपिरो पीछे देखो। और भाई वो देखते ग्रेनी आ चुकी है वाइस टाउन के अंदर, ग्रेनी भाई रोपिरो को ले जाने के लिए आई होती है अपने भाई घर पे दिवाली की पार्टी की वजह से। ओए ग्रेनी तू यहाँ पर क्या कर रही है? अबे वो बुड्ढी सुसरी की यहाँ पे क्या कर रही तू? अबे वो लाल बाबा सिर चुप बैठ, मैं रोपिरो के लिए आई हूँ, सिर्फ रोपिरो मेरे घर पे चलो हम दिवाली की पार्टी करेंगे मिलकर। अबे वो रोपिरो सुसरी के इसके लालच में मत आइए, पार्टी के बहाने तेरे ही तंगड़े कबाब कर देगी सुसरी के, बहुत ही वे लगी हो। अरे हाँ रोपिरो भाई प्लीज मत जाना,
थानोस के साथ। ओए सुपर हीरो म्यूटेंट तुम मत डरो, इस ग्रेनी को मुझ पर पूरा भरोसा हो चुका है, अब मैं इसके घर पे जाके पार्टी करूंगा, तुम मेरा इंतजार करते रहना यहाँ पर ही। रोपीरो ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। ओए मैं चला। और इस तरह ना भाई अपना रोपीरो चला जाता है ग्रेनी के साथ, और बचता अपना सुपर और म्यूटन अपना गोल्डमैन भाई, वो सोच रहे होते हैं और अपने फिर वो सोचते चलो कोई बात नहीं रोपीरो वापस आ जाएगा, और फिर अपने पटाखे फोड़ने लगते हैं आराम से। अबे वो सुसरी का रोपीरो तो चला गया, चलो हम पटाखे फोड़ेंगे मजे से। ओ हो कितना प्यारा रॉकेट है वो। अबे वो ग्रेनी रोपीरो को कुछ करना दे, मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाई तुम शांत रहो, रोपीरो बहुत खतरनाक है अपना, उसको ग्रेनी कुछ भी नहीं कर सकती है। यो हाई होप आप लोगों को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको दिवाली कैसी लगी अपने वॉइस टाउन के अंदर वो भी बता देना। तो भाई आपके शाउट आउट का टाइम हो रहा है, तो ये रहे आज के प्यारे प्यारे शाउट आउट, उस्मान, यश, दक्ष, कृष्णा और कृतिका। और आपको भी चाहिए ऐसे ही शाउट आउट अपने भाई की वीडियो में, तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही ओपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय नहीं बोलूंगा, पहले आप कमेंट करो पहले आपको वीडियो कैसी लगी, तभी भाई बाय बाय बोलूंगा। तो आई होप आपने कमेंट कर ही दोगी अब तक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।